बेशक इन दिनों हम घर से बाहर नहीं जाते, फिर भी साफ सफाई का काम तो बढ़ ही गया है ना दोस्तों। इसमें लापरवाही ठीक नहीं है, लेकिन अकेले इसे अंजाम देना भी मुश्किल है ना। तो आइए जाने कैसे इसे आसान बनाया जाए और कैसे फटाफट निपटाई जाए घर की साफ सफाई। हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसीलिए हमें लगता होगा कि हमें बार बार हाथ क्यों धोना, हमारे हाथ तो गंदे हो नहीं रहे हैं, ना ही हम किसी ऐसे चीज़ को छू रहे हैं। पर ये सोचना गलत है दोस्तों, दिन में कम से कम 5 बार आपको हैंड वॉश करना ही चाहिए। और हम यह भी सोच रहे हैं, चूँकि घर से बाहर तो जाना है नहीं, इसलिए घर को बार बार साफ करने की क्या आ सकता है। बट ये सोच भी हमारी गलत है दोस्तों, इन दिनों आपको घर को साफ सफाई को लेकर ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है दोस्तों। घर को हमेशा साफ सफाई करते रहना ही चाहिए। अभी घर की डस्टिंग का काम परिवार के सदस्यों में बांटे, दरवाजे के हैंडल, टेबल, सिंक, लाइट स्विच, रिमोट, कुछ भी जो आप अक्सर छुआ करते हैं उसकी नियमित से सफाई जरूर करें दोस्तों। और ये सारा काम किसी अकेले पर बिल्कुल भी नहीं छोड़े, हमें आपस में मिलकर सभी को काम बांट लेना है और हर छोटे बड़े काम में एक दूसरे का सहायता करना है। इससे क्या होगा कि किसी एक पर ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा दोस्तों, और काम भी निपट जाएगा और हम लोग हैप्पी भी रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे, है ना दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपको बाथरूम की भी साफ़ सफाई की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। और उसके लिए अगर कीटाणुनाशक नहीं मिल रहा है तो इसके लिए ब्लीच भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बाथरूम और सिंक आदि की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल अच्छा होता है, आप इसका इस्तेमाल इजली कर सकते हैं। आप ब्लीच को 10 से 15 मिनट के लिए सतह पर छोड़ दें, फिर उस जगह को साफ कपड़े से पोंछ दें, वो बिल्कुल साफ और चमक जाएगा दोस्तों। और हाँ, मिरर की सफाई के लिए हमेशा टिश्यू पेपर का ही इस्तेमाल करें, इससे मिरर पर कोई दाग धब्बा नहीं रहता और वो पूरा क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स। घर का कोना कोना साफ करना हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों, जैसे कि तौलिया, बेडशीट, दस्ताने, स्कार्फ या किचन में इस्तेमाल होने वाला कोई भी कपड़ा, ये सब बहुत ज़्यादा गंदा होता है, इन्हें गर्म पानी में साफ़ करें, कीटाणु भी मरेंगे और कपड़ा ज़्यादा साफ भी होगा दोस्तों। और फिर इन्हें हम धूप में सुखा दें, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।